What's your research title? Sir, my research title was The Effect of Mobile Phone Waves on the NDL in the Blood of Electrolytic Chemicals, also called the European Dye. Okay, cell phone, mobile phone, कौन सी वेव्स? सर, जो इससे वेव्स रिलीज होती है सर, वो रेडियो वेव्स है. यस सर, ये यानी डिफरेंट कम्युनिकेशंस में, जैसे रडार है, सैटेलाइट है, सर इस तरह में ये यूज़ होती है, टेलीविजन वेव बुक सर. इसका इफेक्ट कैसे हमने नोट किया? सर, इसके लिए सर हमने एनिमल प्रोटोकॉल लिया सर, दो ग्रुपिंग की सर, 6 टोटल रैबिट्स लिए, 2 फीमेल एंड 4 मेल. इसके सर हम दो ग्रुप्स किए, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो सर हम ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहते हैं. सर दोनों में 3-3 रैबिट्स थे, 2 मेल एंड 1 फीमेल. सर इसके लिए जो हमने रेंज किया इस तरह से कि हर केज सर, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके अंदर सर हमने 2 मोबाइल फोन वेव्स, GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसे 2G भी कहते हैं, नोकिया सर 230 और नोकिया 3310, तो ये हमने हैंग किए. और सर एक फ़ोन से सर हमने कॉल की रोज़ाना डेली सर फॉर द 15 मिनट्स ड्यूरेशन डेली. और सर इसके लिए जो हमने खुराक दोनों को फिक्स दी, और सर एक इसी सिमिलर क्वान्टिटी दोनों को. खुराक क्या देते सर? खुराक में सर हम ब्रेड देते थे, फ्रूट्स और सर हे ग्रास जो थी ये भी सर हम देते थे. फिक्स आप कह रहे हैं कि फिक्स क्वांटिटी, तो आप उसको वे करते थे? यस सर, उसका वेट करके सर बकायदा, और पानी भी जो था सर वो भी हम वेट में देते, और दोनों को सर सिमिलर देते थे ताकि उनका हम बाद में या वेट करते थे या क्वांटिटी को मेजर सर? क्वांटिटी यस सर, जैसे ही मेजर करते. यस सर, वॉल्यूम वॉल्यूम में करना. यस सर, मेयर सिलेंडर से या किस तरह? सर वो बोतल थी हमारे पास सर, उससे हम मेजर करके उतना लेवल लेकर दोनों को बराबर देते थे. यस सर, बराबर देते. ठीक है, ठीक है. और सर इस तरह से हमने सर इफेक्ट जो हमको देखा, और तकरीबन सर हमारा ड्यूरेशन जो स्टडी पीरियड था वो 3 मंथ के. और सर हमने इसी तरह से हर महीने में हर एक रैबिट से रीडिंग ली, और उनको उनकी सर बाद में एवरेज ली, और फिर बाद में सर उसको हमने एनालाइज करने के लिए टेस्ट लगाया, और उसके उससे सर हमें जो नतज सर वो SPPSSPS सर एक प्रोग्राम था, वो उसके जरिए सर हमें SPSS क्या है सर? ये स्टूडेंट प्रोटोकॉल था, स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक. यस सर, साइंटिस्ट. ये सॉफ्टवेयर है? यस सर, ये सॉफ्टवेयर. समझिए आपने सर, ये एक हमारे जो माहिर जानने वाले सर टीचर थे सर, उनसे हमने लगवाया ताकि सर गलती का इम्कान ना, और सही जो वो हमारे साथ भी हमारे पास. अच्छा, ये आपने टेस्ट किया कि उसका रैशनल क्या है? सर रैशनल ये है कि सर एनडीएल के डिफरेंट तरह की डिजीज़, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया और डायबिटीज़ और एथेरोसक्लेरोसिस, जो कि हार्ट को इफेक्ट करती है, तो डायरेक्ट हम इंसान के ऊपर तो नहीं कर सकते साइंटिफिक में, यानी ये तरीक़ेकार है, तो इसलिए हम एनिमल मॉडल लेते हैं, उन पर पहले उसके इफेक्ट को देखते हैं, अगर इफेक्ट हो रहा हो तो उससे हम ये देखते यानी देख सकते हैं कि इंसान पर भी इफेक्ट होता हो, इसलिए सही ये हमारा रैशनल था स्टडी का, इस वजह से हमने इसको कंडक्ट किया. ये आप जो आपने जो LDL देखी है उनमें डिफरेंस कितना था, उनमें कितने थे, उनमें कितने थे? सर जो फर्स्ट मंथ की रीडिंग है उनके अंदर सर हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र नहीं आया. अच्छा, और सर जो सेकंड और थर्ड मंथ की थी उसमें सर हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आया. ये डिफरेंस कैसे निकालते थे सर? सबके आपने बताया कि आपके पास ग्रुप होता था एक रैबिट्स का, तो फिर उधर भी ग्रुप था, सर ये डिफरेंस इस तरह से निकालते थे कि तीनों की रीडिंग्स हमने ली एक ग्रुप की, और दूसरे की भी, दोनों की एवरेज हमने निकाली. अच्छा, और उस एवरेज को हम जो आगे जिक्र किया है प्रोग्राम का, उसमें हम उसको ऐड करके और टेस्ट लगाते थे, उससे हमें पी वैल्यू भी मालूम हो जाती थी, और हमें ये भी मालूम हो जाता था कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है, तो इस तरह से सर हमने इसको. कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन ये आया है कि फर्स्ट मंथ की जो रीडिंग है वो क्योंकि नॉन सिग्निफिकेंट है, और सेकंड और थर्ड की जो है वो सिग्निफिकेंट है. सर इसके अंदर जो मज़ीद भी जो अवामिल यानी कर सकते हैं मुतासर, वो ये है कि आपने केजिंग कैसे की है, आपकी हाउसिंग ठीक थी या नहीं, फूड कैसी आपने दी है, ये सारी चीज़ें, या वो प्रेशर कोई था उस पर या नहीं, सर ये चीज़ें भी एलडीएल को यानी कि मुतासर कर सकते हैं. सही.
जैसे मेरा टॉपिक जो था जस्ट एल डी एल की। शाबाश, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड लक।